અને હવે જોઈએ ટોપ 9 ન્યૂઝ જેમાં સૌથી પહેલા જોઈએ યોગીની શપથ વિધિના ટોપ 9 ન્યૂઝ। ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી 2.0 નો આગાઝ। યોગી આદિત્યનાથે લીધા ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ પદના શપથ। રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે લેવડાવ્યા સીએમ પદના શપથ। केशव प्रसाद मौर्य ने ब्रिजेश पाठके नायब मुख्य प्रधान ना लीधा शपथ। केशव प्रसाद मौर्य चूंटणी में हारी गया है छता नायब मुख्य प्रधान पद यथावत रखाय तो ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश ना राजकारण नो मोटो ब्राह्मण चेहरो। योगी की नवी कैबिनेट में 52 प्रधानों लीधा शपथ। 18 कैबिनेट मंत्री तो 14 राज्य कक्षा मंत्री प्रधानमंडल में समावेश। अनेक नवा चेहराओं पर स्थान। पीएम मोदी नजीकना कहवाता पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रधान पद ना शपथ लीधा। एके शर्मा गुजरात केडर ना आईएएस अधिकारी रही चुक्या छे। कांग्रेस माथी भाजप में आवेला जितिन प्रसाद ने मंत्रिमंडल में स्थान मळ्युं। आ साथे अनिल राजभर नंदगोपाल नंदी ने योगी सरकार ना बीजा कार्यकाल में पण जग्या मळी। योगी आदित्यनाथ की नवी टीम में 5 महिला धारासभ्यों ने पण तक। बेबी रानी मौर्य ने कैबिनेट प्रधान नो दरज्जो आपवामां आव्यो। गुलाब देवी प्रतिभा शुक्ला रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम ने राज्य कक्षा ना प्रधान बनावाया। આદિત્યનાથના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદીએ હાજરી આપી હતી। આ ઉપરાંત સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ સ્મૃતિ ઈરાની સહિતના મહાનુભાવો પણ હાજર હતા। ફરી યુપીમાં યોગી આદિત્યનાથની સરકાર બનતા યોગીની બેઠક ગોરખપુરમાં જશ્નનો માહોલ। ગોરખપુરમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડી ડાન્સ કરી ઉજવણી કરી। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट करीने नवी सरकार ने शुभेच्छा आपी। साथ ही कहूं के फक्त सरकार बनावाना शपथ न लो, जनता नी सेवाना शपथ लो।